बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, दुआ करती हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। तो हम जो है काऊ मिल्किंग करेंगे आज, मिल्किंग, तो हमारा साथ दीजिएगा। हम करने लगे हैं, उम्मीद है आप मिल्किंग करने में कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो इसको रस्सी लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं लगाने दे रही। न्यू है ना गाइस, इसलिए वो थोड़ा वो किराया बंद कर दिया कि भाई को कहा, इसलिए वो लगा के रस्सी देंगे हम उसकी। ये देखिए, हम अंकल से वो है रस्सी लगवा रहे हैं, इनकी जो है वो आधी है उनकी, और थोड़ा वो इसको सहलाएँगे थोड़ा फिर। ये जो है बगैर बकरे के भाई अच्छी नस्ल की है, वैसे अगर इनका बकरा वगैरह जो है वो ना भी छोड़े नीचे उसमाने के लिए, तो ये सब बकरे जो है वो भी दे देते हैं। नस्ल का जो है वो दूध पतला ही होता है, अगर फुल डालें बिल्कुल ऐसे बगैर पानी के, तो फिर मज़े की चाय लगती है, वैसे चाय भी अच्छी नहीं लगती। मैंने दूध बचा लिया और कपड़े भी बचा लिए, छींटे डाल देती हैं, वो ऊपर पड़ जाते हैं कपड़ों पे, कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। दूध निकालना जो है वो काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, मुश्किल काम है, बाजू भी थक जाते हैं, तो बंदा फुल जोर लगा करना पड़ता है, 8-10 जानवरों का जो दूध निकालना पड़ता है, लेकिन हमारी रूटीन है, हम करते हैं। कोई भी काम है जो वो रूटीन में करें तो उसकी आदत हो जाती है, फिर वो इजीली बंदा कर सकता है।
तो फ्रेंड्स मेरा जो है वो दूध पीने को दिल कर रहा है। हम दूध पी के देखते हैं इसका दूध कैसा है। वैसे क्या है, कच्चा दूध रूटीन में पिए तो आदत हो जाती है, वैसे भी कभी कभी पिए तो बस अच्छा ही लगता है। इससे ज़्यादा जो है वो फ्रेंड्स आपको ये भी बात बताते जाऊँ कि जिस जानवर के दूध पे जो झाग आती है उसके दूध पे मक्खन नहीं आता, और जिसके झाग ना आए तो उसके दूध पे जो मक्खन आता है। गाय के जो होता है वो अगले थनों में दूध थोड़ा होता है और पिछले थनों में जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसके जो हैं वो अगले थनों में तकरीबन बराबर ही मैंने दूध निकाला है, लेकिन अगले थनों में जो है वो खत्म हो गया पिछले थनों में। क्योंकि होता है कुछ गाय जो होती है वो थनों में बराबर दूध नहीं देती, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। अगली वीडियो में तब तक के लिए हल्ला। Thank you.